সঞ্জু তোমার জঙ্গল মুভিটা থাকবে এবং তাই রয়েছে, আমরা ভিডিওটি দেখে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা দেখে আসি যে টপ টেন আর্নিং মুভির মধ্যে ফার্স্টটা কোনটা আছে এবং লাস্টটা কোনটা আছে। আমরা শেষ দিক থেকে ভিডিওটাতে সম্ভবত শুরু হবে, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारे देश की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे। इन 10 फिल्मों के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक फिल्म बेसिकली किन किन तरीकों से पैसे कमाती है। एक फिल्म के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होती है वो थिएटर्स में देखने आए लोगों के टिकट्स के पैसे होते हैं। इसके अलावा फिल्म की हाइप और स्पेकुलेशन के चलते फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे जाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, जो देश के अलग अलग कोनों में लगे थिएटर्स में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे जाते हैं एक ब्रॉडकास्टर के द्वारा, जो फिल्म को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आपको इस लिस्ट की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में पता चलेगा तो आप बेशक तौर पर चौंक जाएंगे। हमारी आज की इस लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 पोजीशन के साथ। नंबर 10 पद्मावत। पद्मावत वो फिल्म रही जो रिलीज होने से पहले ही कई कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी थी। कारण ये था कि ये फिल्म अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती और मेहरावल रतन सिंह की जिंदगी पर आधारित थी, जिस कारण कई रिलीजियस ग्रुप्स इस बात से चौकस थे कि कहीं इस फिल्म में इनकी कहानी को किसी गलत तरह से दिखाया ना जाए। इसी वजह से देश के अलग अलग कोनों से कई ग्रुप्स आए और इस फिल्म को बैन कराने की मांग करी। लेकिन बाद में जब पता चला कि फिल्म में किसी भी तरह से किसी भी धर्म या समूह को अपमान नहीं करा गया है और कहानी के साथ कहीं भी नाइंसाफी नहीं हुई है, तो फिल्म को रिलीज होने की अनुमति दे दी गई। फिल्म के कई जगहों पर ना चलाए जाने के बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और इसी का नतीजा रहा कि फिल्म आज देश की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकी है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म राजस्थान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की लोकेशंस में सेट थी और व्यूअर्स के लिए जिस तरह से इन लोकेशंस को स्क्रीन पर उतारा गया था वो किसी शानदार पेंटिंग से कम नहीं था, जहां शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की एक्टिंग ने सबकी तारीफें बटोरी। वहीं रणवीर सिंह इस फिल्म के मेगा सुपरस्टार बने। रणवीर सिंह ने जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को स्क्रीन पर उतारा वो पूरी तरह से काबिले तारीफ है। बॉलीवुड जहां लीड हीरो या प्रोटैगनिस्ट को फिल्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहां किसी नेगेटिव या विलेनस कैरेक्टर के लिए खुद को नोटिस कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रणवीर सिंह ने इस काम को बखूबी करके दिखाया है और उनके खिलजी के पोर्ट्रेयल ने व्यूअर्स को पूरी तरह से प्रभावित करा। पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस पर 585 करोड़ रुपये की कमाई करी। नंबर 9, जहां पद्मावत फिल्म के कारण कंट्रोवर्सी हुई थी, वहीं जिस फिल्म की अब हम बात कर रहे हैं वो फिल्म ही कंट्रोवर्सीज के कारण बन सकी है। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई लाइफ स्टोरी पर बनी फिल्म संजू के बारे में। इस मूवी में संजय दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आए रणवीर कपूर, जिन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग के चलते हर ओर से तारीफें ही तारीफें बटोरी, फिर चाहे वो क्रिटिक्स हों या पब्लिक ऑडियंस। किसी ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाना जिसे हमने अपने टीवी स्क्रीन पर लंबे समय तक देखा है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑडियंस के रूप में हम हमेशा किरदार और असल व्यक्ति में अंतर कर सकते हैं। लेकिन रणबीर कपूर ने पूरी फिल्म में ऑडियंस को कहीं भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वह और संजय दत्त किसी भी तरह से दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यही वो क्वालिटी है जो एक आम एक्टर और एक अच्छे एक्टर में अंतर बताती है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी संजू फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा जो एक्टर्स थे वो थे विकी कौशल, परेश रावल, अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर।
100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म काफी प्रॉफिटेबल थी और एक नॉन हॉलीडे के दिन पर रिलीज होने के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करी। इतना ही नहीं बल्कि ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बनी। संजू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 588 करोड़ रुपए की कमाई करी। इस फिल्म से न केवल मेकर्स को फाइनेंशियली फायदा हुआ बल्कि इस फिल्म के और ऑडियंस के बीच इमोशनल कनेक्ट के कारण पब्लिक आई में संजय दत्त की इमेज भी सुधरी। फिल्म ने बखूबी संजय दत्त की जिंदगी के हाई और लो पॉइंट्स को दर्शाया और पूरी फिल्म में ऑडियंस को स्टोरी से जकड़ कर रखा। फिल्म की तरफ नंबर 8 सुल्तान। कुछ समय से लोगों के पास ईद के त्योहार का इंतजार करने के दो कारण बने हुए हैं, एक तो खुद ईद का त्योहार और दूसरा सलमान खान की रिलीज होने वाली। सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज होती और वो हिट ना होती ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुल्तान भी ऐसी ही फिल्मों में से एक है। सुल्तान अली खान नाम के रेसलर की जिंदगी की कहानी को दिखाती हुई सुल्तान फिल्म 2016 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही फिल्म ऑडियंसेस के बीच चर्चा का विषय बनने लगी। ऑडियंसेस को ये फिल्म काफी पसंद आई और इसी कारण बहुत ज्यादा संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाने लगे। सलमान खान और अनुष्का शर्मा को लेकर अली अब्बास जफर ने ये फिल्म बनाई जिसमें स्पोर्ट्समैनशिप और देशभक्ति से लेकर रोमांस तक हर वो चीज थी जिसकी एक टिपिकल इंडियन फिल्म व्यूअर मांग रखता है। इनके अलावा इस फिल्म को जो और चीजें खास बनाती हैं वो है सलमान खान और अनुष्का शर्मा की हरियाणवी बोली। फिल्म के कुछ खास गाने जैसे कि जग घूमया, खून में तेरे मिट्टी और बेबी को बेपसंद है। सुल्तान इंडिया के अलावा चाइना में भी रिलीज हुई और वहां भी फिल्म ने अच्छी कमाई करी। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो इस फिल्म ने आज तक बॉक्स ऑफिस पर 623 करोड़ रुपए की कमाई की है। बाहुबली द बिगिनिंग। नंबर 7 बाहुबली द बिगिनिंग। ये वो फिल्म है जिसने आने वाले कई सालों तक के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। सही मात्रा में आर्ट, रिस्क और हिम्मत ने इस फिल्म को जन्म दिया। इस फिल्म के मेकर्स ने इसको बनाते हुए जो रिस्क और हिम्मत जुटाई वो वाकई काबिलियत तारीफ है क्योंकि हमारे देश में इस फिल्म से पहले ज्यादातर पीरियड ड्रामा फिल्म्स काम नहीं कर पाती थी पर इस फिल्म ने ऑडियंस और सिनेमा में देश का विश्वास जगाया और इसकी सफलता से दूसरे और कई फिल्म मेकर्स के लिए कई द्वार खुले। 180 करोड़ रुपए के बजट पर एसएस राजामौली ने जब ये फिल्म बनाई थी तब उन्हें भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म देश भर में इतनी हिट होगी पर समय का पहिया कुछ इस तरह से घूमा कि ये फिल्म तो हिट हुई ही साथ ही साथ इस फिल्म ने इसके अगले पार्ट के लिए भी ऑडियंस के बीच सस्पेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। देश भर में उस वक्त लोग इस सवाल से घिरे हुए थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका जवाब देना था इस फिल्म के दूसरे पार्ट में और इसी कारण इस फिल्म के साथ हमेशा हाइप और लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा रहा। इसके अलावा इस फिल्म की पूरी ही कास्ट, फिर चाहे वो प्रभास हो, अनुष्का शेट्टी हो या राणा दग्गुबत्ती हो, सभी अपने किरदारों को बहुत ही सच्चाई और इंसाफ के साथ निभाते हुए नजर आए। फिल्म ओरिजिनली तेलुगु और तमिल में बनाई गई थी जिसके बाद इसको अन्य भाषाएं जैसे हिंदी में डब किया गया था ताकि देश के हर कोने से लोग इस फिल्म को देख सकें। बाहुबली पार्ट 1 द बिगिनिंग ने बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ रुपए की कमाई करी। नंबर 6 पीके। संजू के बाद राजकुमार हिरानी इस लिस्ट में एक और बार आ चुके हैं और इस बार फिल्म पीके जहाँ पिछली फिल्म संजू संजय दत्त की जिंदगी पर बनी थी वहीं इस फिल्म में भी संजय दत्त आमिर खान के साथ एक भूमिका निभाते हुए नजर आए। फिल्म में आमिर खान के अलावा अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत और बोमन ईरानी ने भी काफी अच्छा काम करा जो हर फिल्म की तरह ही इस फिल्म में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने से चुके नहीं। पीके ने हमारे देश के कई अंधविश्वासों को लेकर हमारे दिमाग में कई सवाल खड़े करे जो कि अपना मैसेज पहुंचाने में सफल रहे। इसी कारण ये फिल्म कुछ समय के लिए कुछ कॉन्ट्रोवर्सी से भी घिरी पर जब फिल्म की कंटेंट के साथ इंटेंशन साफ हुई तो धीरे धीरे कॉन्ट्रोवर्सीज और विवाद फिल्म की अपार सफलता के आगे टिक ना सके। ये फिल्म धरती पर भटके हुए एक एलियन की जिंदगी के चारों तरफ घूमती है जो वापस अपने प्लैनेट पर जाने के लिए कई कोशिशें करता है। इस एलियन का किरदार निभाया आमिर खान ने और इस फिल्म के साथ उन्होंने एक बार फिर ये साबित करा कि उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट बिल्कुल सही वजह से पीके 2014 की पहली फिल्म थी जिसने 300 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री करी थी और ये इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म ने कुल मिलाकर 832 करोड़ रुपए की कमाई बॉक्स ऑफिस पर करी। नंबर 5
2010 में रजनीकांत की एक फिल्म आई थी एंथेरन के नाम से। ये फिल्म जब हिंदी में डब हुई और ज्यादा ऑडियंसेस तक पहुंचाई गई तो फिल्म को नाम मिला रोबोट। अच्छा, ये फिल्म साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक क्रूशियल फिल्म थी। इस फिल्म ने VFX और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट को साथ लाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जिसकी देश भर की ऑडियंसेस ने तारीफ करी। इस फिल्म की सफलता के बाद से ही इसकी ऑडियंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट के बनने का इंतजार कर रही थी और ये इंतजार पूरा हुआ जब 2018 में एस शंकर और लाइका प्रोडक्शंस ने मिलकर रोबोट 2.0 बनाई, जिसमें अहम भूमिका में नजर आए साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, खिलाड़ी के नाम से जाने जाने वाले अक्षय कुमार और एमी जैक्सन। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ साथ अक्षय कुमार को लेने का ये फायदा हुआ कि जहां रजनीकांत के फैंस साउथ इंडिया से फिल्म को देखने के लिए आए, वहीं अक्षय कुमार के फैंस नॉर्थ इंडिया से इस फिल्म को देखने के लिए आए। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा तारीफें बेशक हासिल ना हुई हों, पर इस फिल्म ने बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंसेस को सिनेमा हॉल में पाया और यही कारण रहा कि इस फिल्म ने 850 करोड़ रुपए की कमाई करी। कमाई के अलावा अगर इस फिल्म को बनाए जाने वाले बजट की बात करी जाए तो ये हमारे देश की सबसे महंगी फिल्म बनी थी। इस फिल्म को बनाने में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नंबर 4, सीक्रेट सुपरस्टार। ये वो फिल्म है जिसका इस लिस्ट में होना कई लोगों को चौंका सकता है, क्योंकि ना तो इस फिल्म का बजट ज्यादा था और ना ही इस फिल्म की पब्लिसिटी में ज्यादा पैसे खर्च किए गए थे। ये उन कुछ फिल्मों में से हैं जो हमें ये बताती हैं कि अच्छा सिनेमा हमेशा लोगों के दिलों तक का अपना रास्ता खुद बना लेता है। सीक्रेट सुपरस्टार आमिर खान प्रोडक्शंस के तल्ले बनी एक शानदार फिल्म रही जिसको 2017 में रिलीज करा गया। इस फिल्म की कहानी इंसिया, एक अपकमिंग सिंगर की जिंदगी के चारों तरफ घूमती है। इसका किरदार निभाती हुई नजर आई थी जायरा वसीम और इस फिल्म में आमिर खान नजर आए थे एक एस्टैब्लिश सिंगर के रूप में। फिल्म में इंसिया यूट्यूब के जरिए अपने गाए हुए गानों को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाती हैं, जो वाकई में देश की बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए रिलेटेबल था, क्योंकि आजकल लगभग हर कोई इंटरनेट की सहायता से या तो कुछ नया सीख रहा है या फिर अपनी कला को लोगों तक पहुंचा रहा है। इस कहानी के लिए इस फिल्म के मेकर चंदन को ये आइडिया तब आया था जब वे सत्यमेव जयते के सीजन 3 में आए शुभम जगलान से मिले। शुभम की कहानी ये थी कि वे एक दूध बेचने वाले आदमी के बेटे थे और वे सीमित साधनों के बावजूद भी इंडिया के यंगेस्ट गोल्फ चैंपियन बने थे। शुभम ने बताया कि उन्होंने 60% गोल्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखकर सीखा था। शुभम की इसी सोच ने चंदन को ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए इंस्पायर करा। इसके अलावा ये फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठाती है। फिल्म अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई और एक हिट साबित हुई। इसके अलावा फिल्म जनवरी 2018 में चाइना में भी रिलीज करी गई और वहां भी फिल्म ने कमाल की कमाई करी। कुल मिलाकर इस फिल्म ने 965 करोड़ रुपए की कमाई करी और इसी के साथ ये फिल्म हमारी लिस्ट में चौथे स्थान पर है। नंबर 3, बजरंगी भाईजान। ये फिल्म सलमान खान की दूसरी फिल्म के मुकाबले खास है, क्योंकि इस फिल्म में सलमान खान ने एक सीधे और मामूली से व्यक्ति पवन कुमार चतुर्वेदी का किरदार निभाया। इस फिल्म में पवन एक खोई हुई बच्ची मुन्नी से मिलता है और जब उसे पता चलता है कि मुन्नी पाकिस्तान से है और ये खो गई है, तो वो उसको उसके घर पहुंचाने को अपना मकसद बना लेता है और यही सफर उन्हें पाकिस्तान ले जाता है। इसी फिल्म में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है तो फिल्म का ह्यूमर और बढ़ता है। फिल्म में खोई हुई बच्ची मुन्नी का किरदार निभाती हुई नजर आई थी हर्षाली मल्होत्रा और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की ही बदौलत इतने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर बनी फिल्म ऑडियंसेस के लिए आसान और लाइट हार्टेड बन गई। फिल्म को 90 करोड़ रुपए के बजट में डायरेक्टर कबीर खान ने बनाया। 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 969 करोड़ रुपए की कमाई करी और इसी के साथ ये सलमान खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। सलमान खान की दूसरी कई और हिट फिल्मों की तरह ही ये फिल्म भी ईद के समय पर ही और इसी कारण ज्यादा भीड़ पहले दिन ही इस फिल्म को देखने के लिए पहुंची। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी लिस्ट की सेकंड लास्ट फिल्म की तरफ। नंबर 2, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। एसएस राजामौली की बाहुबली 2 द कंक्लूजन बाहुबली का दूसरा पार्ट था जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसने रिलीज होते ही सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को पीछे कर दिया था। फिल्म ने अपने पहले ही दिन में 80 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म के हिट होने के पीछे मुख्य वजह ये थी कि फिल्म के साथ बहुत ज्यादा हाइप जुड़ गई थी।
और कहानी से जुड़े कई सवालों ने ऑडियंसेस के मन को घेर लिया था और उन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए बड़ी मात्रा में ऑडियंसेस फिल्म को देखने के लिए जुटी। ये फिल्म 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिखे थे प्रभास, राणा दग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने बाहुबली अभी तक नहीं देखी है तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिल्म जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म न केवल आपको एक अलग दुनिया का हिस्सा बनाएगी बल्कि आप इस फिल्म से इमोशनली भी कनेक्ट करने लगेंगे। इस फिल्म में VFX शॉट्स थे और आपको बता दूं कि सिर्फ इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीक्वेंस को शूट करने में करीब 30 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इस फिल्म की सफलता ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए फैंटेसी फिल्म्स के रूप में ही एक नया दरवाज़ा खोला और इसी कारण आज हमें कई इसी तरह की फिल्में देखने को मिलती हैं। बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए की कमाई करी। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की तरफ। इनकी जिंदगी पर बनाई गई थी फिल्म दंगल और इसको बनाया था नितेश तिवारी ने। इस फिल्म में फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा और जायरा वसीम ने काम करा और इन्हीं के साथ थे आमिर खान, जिन्होंने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया। इस फिल्म में आमिर खान का किरदार अपनी बेटियों को वर्ल्ड क्लास रेसलर्स बनाते हैं और उनके उसी सफ़र को इस फिल्म में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। आमिर खान को परफेक्शनिस्ट बुलाए जाने में इस फिल्म की अहम भूमिका है, क्योंकि इस फिल्म के लिए आमिर खान ने पहले तो बहुत ज़्यादा वेट गेन करा और फिर कुछ ही महीनों के बाद खुद एक रेसलर के किरदार को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट लूज भी करा। आमिर खान चाहते तो बड़ी ही आसानी से एक बॉडी सूट पहनकर फिल्म में मोटा दिख सकते थे, पर उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि उनका मानना था कि उनके असल रिएक्शंस और जेस्चर्स तभी आएंगे जब वो खुद वेट पुट ऑन कर लेंगे। उनकी अपने किरदार के प्रति यही शिद्दत उनको बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है और यही कारण है कि आमिर खान बेशक कई सालों में एक फिल्म करते हैं पर जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वो फिल्म हिट ज़रूर होती है। आमिर खान सहित पूरी फिल्म की मेहनत वसूल हुई जब ये फिल्म एक सुपरहिट साबित हुई। 2016 में ये फिल्म इंडिया में रिलीज हुई और मई 2017 को चाइना में भी रिलीज हुई। इस फिल्म ने 2024 करोड़ रुपए की कमाई करी और इसी के साथ ये फिल्म हमारे देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकी। অনেক লম্বা ভিডিও ছিল কিন্তু আসলে বোরিং হওয়ার মতো কিন্তু কোনো অপশন ছিল না। আর আমরা এখানে 10টা মুভি দেখলাম যে হাইয়েস্ট আর্নিং মুভি, তো 10টা মুভির মধ্যে যে জিনিসটা দেখলাম যে সালমান খান এবং হচ্ছে আমির খানের মুভি ছিল, এখানে কিন্তু আমরা অক্ষয় কিংবা শাহরুখ খানের এরকম আমাদের কোনো দেখিনি। আর এখানে দক্ষিণের দুজন নায়কের মুভি ছিল, যেমন প্রভাস আর হচ্ছে রজনীকান্ত স্যার মুভি তো সবাই খুব পছন্দ করে। আমার কাছে মনে হয় যে উনি অনেক বয়স্ক, তারপরে ওনার মুভিগুলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত সুপার হিট হয়। আর সাথে প্রভাস তো মানে কি বলবো, সবাই আসলে দিয়েছে। বাহুবলীর দুইটা মুভি খুব হিট ছিল আর দুইটা মুভিতে VFX ইউজ করা হয়েছে, যেটা মূলত হলিউড মুভিগুলোতে ইউজ করা হয়ে থাকে, তো সেই জন্য মুভি কিন্তু খুব সুন্দর ছিল। আমি দুইটা মুভি দেখেছি। প্রথম মুভিটা দেখার পর কিন্তু তুমি অনেক অপেক্ষায় ছিলে। হ্যাঁ, আমি প্রথম মুভি দেখার পর আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে, আমি মনে হয় মুভি শেষ থেকে শুরু করেছি, কারণ ছিড়িতে এনে দেখেছিলাম, তো যার কারণে আমি মনে করেছি যে মুভির মনে হয় লাস্ট পার্টটা আমি আগে দেখে ফেলেছি। আমি আবার ঘুরে এবং দেখি যে না, আমি আসলে ভুল করছি যে মুভি ওখানেই শেষ। তারপর সবাই অপেক্ষা করলো কনক্লুশনের জন্য, তারপর তো কনক্লুশন আসলো এবং মুভিটা হিট ছিল, কারণ 18 কোটি আর্নিং করেছে এবং প্রথম দিনই 80 কোটি। কারণ সবাই অপেক্ষা করছিল যে আচ্ছা এটার রেজাল্ট কি হবে। হ্যাঁ, সেটার জন্য সবাই আসলে অধীর আগ্রহ ছিল এবং মুভি বের হওয়ার সাথে সাথে সবাই কিন্তু দেখতে মানে চলে গেছে। এমনকি আমাদের বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক গেছিল ইন্ডিয়াতে মুভি দেখার জন্য, তো সেটা কিন্তু আসলে অনেক মানে অনেক খুব এক্সাইটেড ছিল মানুষজন আসলে মুভিটা দেখার জন্য, শেষে কি হবে শেষে কি হবে। তাছাড়া বাজরাঙ্গি ভাইজান, তারপর হচ্ছে সিক্রেট সুপারস্টার কিভাবে হিট হলো এটা আসলে টোটালি অ্যাকচুয়ালি আমি সিক্রেট সুপারস্টার মুভিটা এখনো দেখিনি, তো আমি বলতে পারবো না যে মুভিটার মধ্যে আসলে কি ধরনের কাহিনী বা কি। এটা যেমন দেখিনি আমি পদ্মাবত মুভিটাও আমার দেখা হয়নি এখনো পর্যন্ত, বাট তো সুলতান, তারপর হচ্ছে সঞ্জু, এই দুটো সুলতান মুভিটাও আমি দেখিনি,
কিন্তু সাধু মুভিটা দেখেছি এবং সাথে পিকে পিকে মুভিটা দেখা হয়েছে এবং বজরঙ্গি ভাইজান মুভিটা আমি দুবার দেখেছি কারণ আমার মুভিটা ভালো লেগেছে। আর যাই হোক দমল নিয়ে কোনো কথা বলার নেই, কারণ দমল মুভি ও আগেই বলেছিল যে টপ 10 লিস্টে হয়তো দমল মুভিটা থাকবে এবং তাই হয়েছে। আমরা ভিডিওটি দেখে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলাম যে দমল মুভিটা হাই স্টার্নিং মুভি। দমল মুভিটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে কারণ দমল মুভিটা মেয়েদের যে এম্পাওয়ারমেন্টের ব্যাপারটা দেখানো হয়েছে আর এখানে তাদের যে ব্যাপারগুলো সামাজিক ব্যাপারগুলো তুলে ধরা হয়েছে অনেক সুন্দরভাবে এবং আমির খানের অভিনয় তো বলার কিছুই নাই, ওনার অভিনয় মিস্টার পারফেকশন। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে প্রথমেই যখন আমি শুনলাম যে টপ 10 মুভিজ তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে দঙ্গলই হতে পারে, দঙ্গলই হতে পারে। তো যাই হোক আমাদের মনে হয় আপনাদের এই আজকের যে ভিডিওটি আমরা দেখলাম সেটা আপনাদের ভালো লেগেছে, সাথে সাথে হয়তো আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে লিখে জানাবেন। আর আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।